Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नाना पाटेकर के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका रियल नेम विश्वनाथ पाटेकर है, उनको सब प्यार से नाना बोलते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1951 को कोलंबा महाराष्ट्र में हुआ था। अगर बात करें इनके प्रोफेशन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि नाना पाटेकर एक एक्टर, फिल्म मेकर और एक सोशल वर्कर भी है। तो चलिए बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में आई इनकी एक हिंदी फिल्म गमन से की थी और उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने ज्यादातर मूवीज में विलन का किरदार निभाया है। लेकिन इनको अपनी अलग पहचान मिली इनकी 1989 में आई मूवी परिंदा से। इस मूवी में भी इन्होंने विलन का रोल किया था और इस मूवी में इनको विलन के रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इनको और भी काफी फिल्मों में रोल करते देखा गया था, जैसे कि क्रांतिवीर, खामोशी, अब तक 56 और वेलकम। इन सब मूवीज में इनका रोल बहुत ही दमदार रहा था। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाना पाटेकर एक डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने अपनी पहली मूवी को डायरेक्ट किया था साल 1991 में, जिसका नाम था प्रहार। दोस्तों आपको बता दूं इन्होंने हिंदी मूवीज के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी काम किया है। अब हम बात करेंगे इनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाना पाटेकर का मुंबई में एक बहुत ही अच्छा घर है जिसमें वो अपनी वाइफ बेटे के साथ रहते हैं। दोस्तों नाना पाटेकर बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। और अगर बात करें इनकी कार कलेक्शन की तो दोस्तों इनकी पहली कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसका प्राइस है 11 लाख रुपए। उनकी दूसरी कार है ऑडी Q7 और इनकी इस कार की कीमत है 76 लाख रुपए। अब चलिए बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि ये अपनी एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाना पाटेकर अपनी एक मूवी के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और अगर बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की कि इनकी कुल संपत्ति कितनी है तो दोस्तों नाना पाटेकर की टोटल नेटवर्थ है $20 मिलियन। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो इनकी टोटल नेटवर्थ है 157 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर 157 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। तो दोस्तों ये थी नाना पाटेकर के बारे में कुछ जरूरी बातें। अगर आप भी नाना पाटेकर के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।